सो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा कितना अच्छा वर्क कर रहा है, कितने अच्छे मेरे ऐप हाइड हैं। अरे यार, ये देखकर आप तो बोलोगे, लेकिन आपके दोस्त भी बोलेंगे, यार कैसे हुआ ये, कैसे हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको भैया मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आप बहुत सही वीडियो पाए हैं और आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे थर्ड ऐप पार्टी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके बेकार में वो स्टोरेज लेते हैं और आपको बहुत सारे अगर ओपन करते होंगे तो ऐड भी देखने लगते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में कैसे करना है, इसे आप कैसे अपने फ़ोन पर इनेबल करना है, बहुत ही जो गजब की ट्रिक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम धर्म यादव, आप देख रहे हैं टेकोकल। तो चलिए शुरू करते हैं नगाड़ा बजा के। दोस्तों, आपको अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे आना है फिंगरप्रिंट फेस एंड पासकोड। जी दोस्तों, आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन तो ये सिंपली हर फोन में होगा दोस्तों, आप देख लेना। लेकिन ये ओप्पो और रियलमी वीवो सब फोन में होता है, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड पे जाना है, पासवर्ड पे जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा प्राइवेसी पासवर्ड, बहुत जल्दी से दोस्तों आपको बताऊँगा। यहाँ पे जो अपने फ़ोन का आप पिन डाले हैं, वो पिन आप पहले डालकर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लिखा है ऐप लॉक। ऐप लॉक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले कोने में जो सेटिंग का आइकन दिख रहा है, आपको सेटिंग पे जाना है। यहाँ आपको एक कोड जनरेट करना है, जैसे हम डायलर पैड में डाले थे। यहाँ पे आपको जाने के बाद एक्सचेंज, यहाँ पे आपको जाने के बाद सबसे पहले आपको जो जो एप्लीकेशन हाइड करना है, उसको आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद, यहाँ से आप फिर यहाँ पर कर देना है हाइड होम स्क्रीन आइकन। हाइड होम स्क्रीन आइकन करने के बाद, जो जो दोस्तों आपको लगता है कि आपका एप्लीकेशन हाइड करने का है, उसको यहाँ से आप हाइड करने के बाद दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हाइड करने के बाद आपको आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा चेंज एक्सेस नंबर। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है चेंज एक्सेस नंबर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये गोला ये दिख रहा है हैश 4000#, तो आपको वो नहीं डालना है। आप चाहे तो कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, जैसे मैं फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ #9696#, ये भी हो सकता है आपका पासवर्ड, या तो आप ये भी डाल सकते हैं #0000#, या फिर आप जो भी आपका मन करे वो भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको #0000# पर ही बताता हूँ। आपको यहाँ पर आने के बाद डन करना है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, प्लीज़ रिमेंबर दैट योर एक्सेस नंबर, इसका मतलब है कि आप ये अपना नंबर याद रखिए आपको अपने एप्लीकेशन खोल वहाँ पर डायलर पैड में खोलने के लिए। अभी आपको दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ से आप चाहे तो अपने यूज़ फिंगरप्रिंट फॉर ऐप लॉक, आप अपने ऐप लॉक के लिए फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकते हैं। यूज़ फेस फॉर ऐप लॉक, बाईपास वेरीफिकेशन ऑफ टेम्प्रेरी ऐप एग्जिट। लेकिन दोस्तों, ये सबको आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसी से करना है। तो दोस्तों, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ अपने मैं आ गया हूँ फोन मोबाइल के होम स्क्रीन पर, अभी डायलर पैड में हूँ मैं हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरा कितना अच्छा वर्क करता है। देखिए मैं दोस्तों #40# दावा, देखिए कितना अच्छा मेरा वर्क कर रहा है। और ऐसे भी देखेंगे दोस्त तो बोलेंगे यार कितना अच्छा है।